डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन स्वागत। वर्ल्ड में 700 करोड़ लोग रहते हैं और 700 करोड़ लोग हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल और वाइज बनना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। बहुत सारी पद्धतियां हैं जिसके माध्यम से हम हेल्दी रह सकते हैं, वेल्दी रह सकते हैं, पीसफुल रह सकते हैं और वाइज बन सकते हैं। भारत देश ने करोड़ों साल पहले दो पद्धतियां दी, एक योग और एक आयुर्वेदा। योग जो कनेक्टेड है आध्यात्मिकता के साथ, जो कनेक्टेड है धर्म के साथ, जो कनेक्टेड है हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ और जो कनेक्टेड है परमात्मा की प्राप्ति के साथ। आयुर्वेदा हमारे जीवन को किस तरीके से वेलनेस ला सकता है, हमारे जीवन में किस तरीके से वेलनेस और हेल्दी जीवन हम जी सकते हैं, ये हमें आयुर्वेदा सिखाता है। आज हम दोनों मुद्दों पर चर्चा करेंगे और योग जो पहले सदियों से भारत में किया जा रहा है और बाहर के जितने भी देश है वहाँ भी योग का अच्छा प्रचार प्रसार है और लोग अपने निजी जीवन में योग करते हैं। इंटरनेशनल लेवल का रेस्पॉन्स देखकर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी योग पर एक प्रायोरिटी पॉलिसीज बनाई। योग को इंटरनेशनल लेवल पर और किस तरीके से हम वास्ट कर सकें, उसका विस्तार कर सकें, इसके संबंध में उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई और 21 जून हर साल इंटरनेशनल योगा डे के नाम से मनाया जाता है। ये भारत की ही पहल थी जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशन से लेके हर कंट्री ने इस चीज़ को अपनाया और ये कहा कि हमारे लाइफ का एक इंटेग्रल पार्ट योगा होना चाहिए। आज पूरे भारतवर्ष में और पूरे वर्ल्ड के हर कंट्री में माहौल है योग का और लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, तंदुरुस्त रहना चाहते हैं और हेल्दी रहना चाहते हैं। इस पद्धति को भारत ने भी अपनाया और भारत के बाहर के देशों उन्होंने भी इस पद्धति को अपनाया है। हम आज इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे एक इंडिविजुअल व्यक्ति की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो सकती है, कैसे वो लोअर इंस्टिंक्ट से हायर इंस्टिंक्ट्स की तरफ बढ़ सकता है, कैसे एक साधारण व्यक्ति नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से सुपर ह्यूमन बीइंग बन सकता है और कैसे एक व्यक्ति एक ह्यूमन बीइंग अपने तनाव से परे जाके एक पीसफुल लाइफ जी सकता है। हम इसको योग के साथ में कनेक्ट करेंगे, आयुर्वेदा के साथ में कनेक्ट कर देंगे और ये देखेंगे क्या निचोड़ निकल सकता है। आज के इस कार्यक्रम में और बहुत सारे चीज़ों की खोज होगी और नई खोज होगी। हम कॉन्शियसनेस के बारे में भी इस कार्यक्रम में आज चर्चा करेंगे। मुझे बड़ी खुशी है, हर्ष हो रहा है आपको ये बताते हुए कि हमारे साथ में आज न सिर्फ भारत में प्रसिद्ध लेकिन अमेरिका और बहुत सारे देशों में जिन्होंने ख्याति प्राप्त की, प्रसिद्धि प्राप्त की योग के माध्यम से भी और आयुर्वेदा के माध्यम से भी, मैं उनको आपके समक्ष इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। हमारे लिए सौभाग्य की बात है क्योंकि उन्होंने दोनों सोसाइटीज़ को देखा, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी देखा है और इंडियन कम्युनिटी को भी देखा है। ये इस कार्यक्रम में अच्छी तरह से अपने विचारधारा पेश कर सकते हैं, अपने विचार हमारे सामने रख सकते हैं और मैं स्वागत करना चाहता हूँ महर्षि ओम जी का। ओम स्वस्ति। महर्षि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। स्वामी जी, जैसे आपको पता है कि कुछ ही दिनों में इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाएगा, 21 जून हर साल। अब यूनाइटेड नेशंस ने भी इस चीज़ को माना है और बहुत सारे देशों ने भी माना है कि योग हमारे जीवन का एक इंटेग्रल पार्ट है।
तो सबसे पहले हमारे दर्शक आपसे ये सुनना चाहेंगे कि क्यों हमारे जीवन में योग की इम्पोर्टेंस है। जी, सबसे बड़ी आवश्यकता है जीवन में योग की, कि जिससे हम अपने जीवन को हायर कॉन्शियसनेस से जोड़ सकें, क्योंकि हमारी जो कॉन्शियसनेस है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जब तक हमारा कॉन्शियसनेस लेवल अप नहीं होगा, हमारी चेतना ऊपर नहीं उठेगी, तब तक हमारा पूर्ण विकास संभव नहीं है। इसलिए योग हमें करना चाहिए, और योग हमारी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाता है और हमें उत्कर्ष की ओर ले जाता है। चाहे हम किसी भी प्रोफेशन में हों, उसमें भी हमें जो है पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य की बात हो, मानसिक स्वास्थ्य की बात हो, या आध्यात्मिक स्वास्थ्य की बात हो, या जो है आर्थिक उन्नति की बात हो, चहुं ओर और चारों प्रकार का विकास योग से होता है। आइए हम अपनी चेतना को ऊंचा उठाएं और योग करने का संकल्प लें। जी महर्षि, यहाँ पर एक इसके साथ जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, हमारे मन में भी आ रहा, हमारे दर्शकों के मन में भी ये ज़रूर प्रश्न होगा जी, कि जो योग है, बहुत सारे लोग योगा भी कहते हैं जी जी, आम जो टर्म है, जो आम टर्म यूज़ की जाती है जी भारत में और बाहर के देशों में, वो योगा की जाती है। तो एक्चुअल में है क्या है? ये योग है या योगा है, और दोनों में अंतर क्या है? जी जी जी, देखिए वास्तव में जो सत्य है वो तो योग ही है जी, और दूसरा है वियोग। वियोग कहते हैं बिछोड़ने को, और योग कहते हैं जुड़ने को। जब हम प्रभु से बिछड़ जाते हैं और संसार में खो जाते हैं, तब दुख प्राप्त होता है, और जब हम ईश्वर से जुड़े रहते हैं तो हमेशा आनंद और प्रसन्नता रहती है। और योग के बारे में बताया गया है कि जो वास्तव में योग है अनुशासनम, अतः योग अनुशासनम, ऐसा महर्षि पतंजलि जी ने कहा है कि अपने जीवन के अंदर अनुशासन को धारण करना, कुछ नियमों को अपनाना और उन पर जो है जीवन भर चलना, ये योग है। और जब हम उन योग के नियमों को अपने जीवन में धारण करेंगे, निश्चित रूप में हमें जो है मानसिक शांति भी प्राप्त होगी, और हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी सुस्वास्थ्य हो जाएगा, बहुत सुंदर स्वास्थ्य के हम धनी होंगे, और मन भी जो है हमारा हमेशा प्रफुल्लित रहेगा जी। महर्षि पतंजलि ने योग विद्या दी हम जी, और ऐसा भी माना जाता है कि महर्षि पतंजलि के टाइम से ही योग की पद्धति शुरू हुई। क्या उससे पहले योग नहीं था? जी, उससे पहले भी योग था, और वेदों में भी योग विद्या आई है, और वेद में मंत्र आता है, अष्टाचक्रा नव द्वारा देवा नाम पुर अयोध्या तस्याम हिरणमय कोश है स्वर्गो ज्योति सावृत है, कि जो हमारा शरीर है ये एक अयोध्या नगरी के नाम से जी बताया गया, जिसमें असली जो हमारे राम हैं, जो कण कण में समाये हैं, वो यहाँ भी विराजमान है इस अयोध्या नगरी के अंदर। तो उनको अगर हमें मिलना है तो अंदर हमें डुबकी लगानी पड़ेगी, और आठ इसमें चक्र हैं और नौ द्वार हैं, और इसमें एक ज्योति का, प्रकाश का एक कोश है, और उसके अंदर एक जो आनंद का, स्वर्ग का खजाना है, स्वर्गो ज्योति सावृत है, स्वर्ग जैसा जो सुख है वो हमारे अपने अंदर है, वो अंदर से ही प्राप्त हो सकता है, बाहर नहीं मिल सकता। तो उस खजाने को हमें ढूंढना है, और ढूंढने के लिए उसके लिए हमें ध्यान में जाना होगा जी। तो ये योग है जी। तो योग क्या शारीरिक कसरत है? आंखें बंद करके ध्यान में बैठने का एक नियम है, या इससे परे है कुछ? देखिए जो योग है, जो पहला जो नियम आता है योग का, योग के आठ जो अंग बताए गए हैं, उसमें पहला जो अंग है वो है आसन, और आसन में सब कसरत आ गई, सभी प्रकार की एक्सरसाइज आ गई, परंतु वो पूर्ण नहीं है, वो एक अधूरी बात है, शुरुआत है। तो योग की जो शुरुआत है वो आसन से है। जब हमारा आसन स्थिर हो जाता है, स्थिरम सुखम आसनम, तो हमें फिर सुख मिलने लग जाता है, लंबे समय तक भी हम एक आसन पर बैठ सकते हैं जी, और शरीर में कहीं दर्द नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, कोई कार्य को लंबे समय तक हम कर सकते हैं चैन से, बेचैनी नहीं होगी, चाहे ऑफिस में बैठे हों, ऑफिस का वर्क कर रहे हों, कोई कंप्यूटर वर्क कर रहे हों, या और कोई घर का भी काम कर रहे हों, तो मन हमारा जो है वो मन में शांति रहेगी, शांति रहेगी, इधर उधर भटकेगा नहीं, मन
सबसे बड़ी सफलता ये होती है आसन सिद्धि के बाद जी। सेकंड क्या है? सेकंड जो है इसमें प्राणायाम आता है, उसमें प्राणायाम अनेक हैं जी, और जो बाह्य है प्राणायाम है, बाहर श्वास निकाल करके बाहर हम रोकते हैं जितना समय जो है खुशी के साथ में बाहर रोक सकते हैं, किसी दबाव या प्रेशर में कोई भी प्राणायाम नहीं करना चाहिए। और फिर हम अंदर लेते हैं, अंदर लेकर के फिर अंदर रोकते हैं, और जितना समय खुशी से रोक सकते हैं अंदर श्वास को, उतने समय तक बगैर कष्ट के श्वास को रोकना चाहिए जी। तो इस प्रकार से ये बाह्य प्राणायाम हुआ और आभ्यंतर प्राणायाम हुआ। तीसरा जो प्राणायाम बताया गया है उसको बोलते हैं स्तंभ विरति जी। स्तंभ विरति से अभिप्राय है जहाँ भी श्वास है, चाहे बाहर है या अंदर, वहीं का वहीं उसको रोक देना और उस अवस्था में कुछ समय तक रहना, ये प्राणायाम हुआ। अब ध्यान की जो अवस्था आती है, क्योंकि आसन प्राणायाम धारणा, तो धारणा होती है जब कुछ सेकंड के लिए हमारा मन थोड़े समय के लिए स्थिर हो जाए, स्थिर हो जाए, तो उसको धारणा कहते हैं। फिर आ गया ध्यान। तो ध्यान कैसे हो? जब प्राणायाम सिद्ध होगा तो शरीर जो है कंपायमान नहीं होगा, चंचल नहीं होगा, तो इसकी सिद्धि होने से मन जो है स्थिर हो जाएगा, क्योंकि मन स्थिर करने के लिए प्राणायाम अति आवश्यक है, प्राणों का स्थिर होना आवश्यक है। और मन स्थिर हो गया, इसके बाद जो है फिर ध्यान हो सकता है, तो फिर मन एक जगह रुक जाएगा। तो श्वास के साथ में हम अपने मन को रखेंगे और उसके साथ साथ श्वास अंदर जाता है, नाभि तक अंदर जाएंगे, मन से ध्यान रखेंगे, फिर बाहर श्वास निकल रहा है तो बाहर आ रहा है, उसको भी साक्षी भाव से श्वास को देखते जाएंगे। तो इस प्रकार से श्वास प्रश्वास की जो क्रिया है इसको शांति से देखते जाना है, जो ऑटोमेटिक हो रहा है जी। ऐसा करने से श्वास एकदम सूक्ष्म अवस्था में आ जाएगा, ऐसा लगेगा कि श्वास हम शायद नहीं ले रहे हैं, पर वो ले रहे होते हैं, बहुत ही इतना सूक्ष्म होता है कि आम आदमी उसको नोटिस नहीं कर सकता जी। कि हम ब्रीदिंग कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम ट्रांस में चले जाते हैं, ट्रांसेंडेंटल स्टेज आ जाती है हमारी। इसमें जो यम और नियम प्रत्याहार जी, वो भी एक इंटेग्रल पार्ट है योग का जी, जी, तो स्वामी जी इस पर आप थोड़ा बहुत और हमारे को ज्ञान दीजिए जी। जी देखिए, जो यम नियम है इसका पालन भी अति आवश्यक है, और यम से अभिप्राय है कि बाहर की जो हम शुद्धि करते हैं, बाह्य शुद्धि जी, तो इसमें जो है जैसे अपने वस्त्र हैं वो हम स्वच्छ रखते हैं, सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान नियमा, तो इसमें जो है संतोष अपने अंदर रखना और तप कष्ट को सहन करना। कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, चाहे हम अपना वर्क कर रहे हैं, उसमें जो कष्ट है उसको खुशी पूर्वक सहन करना जी, उसको बोलते हैं तप। और इसके बाद ईश्वर परिनिधान, ईश्वर परिनिधान मतलब भगवान की शरणागति। अब परिश्रम हमने किया है पूर्ण पुरुषार्थ के साथ, उसके बाद जो भी प्रसाद भगवान से हमें प्राप्त हो उसमें ग्रहण करना और सुख का अनुभव करना। रूखी रोटी मिल गई आज कोई बात नहीं, कल बहुत अच्छी मिल गई तो भी कोई बात नहीं, भगवान का प्रसाद मान के ऐसे कर्म करना है, और ऐसे ही हमें अन्न का ग्रहण करना है। तो और संतोष रखना है, संतोषात अनुत्तम सुख लाभ है, क्योंकि जब हमारी आत्मा में संतोष आता है तो इससे बड़ा सुख नहीं हो सकता इस संसार के अंदर कोई, ऐसा शास्त्र कहते हैं हमारे हिंदू धर्म में। फिर आ गए हमारे नियम, तो नियम भी बहुत अच्छे होते हैं, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, तो इसका भी हमें पालन करना चाहिए, ये अंदर से पालन होते हैं, क्योंकि मन पवित्र हो जाता है तो फिर हम अहिंसा का पालन करते हैं, बात बात में गुस्सा नहीं करते, और जब तक अहिंसा का पालन नहीं करेंगे समाधि नहीं हो सकती, क्योंकि शास्त्र में आया है निर्बैर है समाधि, पतंजलि ऋषि ने कहा है, जब तक बैर की भावना है समाधि में नहीं मिल सकती किसी भी इंसान को, और समाधि के अंदर वो इंसान नहीं जा सकता। तो कोई भी गुरु है अगर हम उसको देख रहे हैं कि वो क्लेम कर रहे हैं कि हम समाधि में जाते हैं और उसके बाद भी बैर की भावना रखते हैं, दूसरों के प्रति नफरत की भावना रखते हैं, निश्चित रूप में वो समाधि उसकी सिद्ध नहीं हुई है, नहीं हुई। अगर समाधि सिद्ध हो गई बैर अंदर से खत्म हो जाएगा, वाणी में भी बैर की भावना नहीं होगी, कर्म की बात तो बहुत दूर है जी। तो ये जो है सिद्धि प्राप्त होती है योग से, जब अहिंसा सिद्ध होती है। दूसरा, कुछ लोगों को भ्रम है जी, वो सोचते हैं कि हम योग करेंगे तो जो सांप है या बिच्छू है वो हमें नहीं काटेगा, शेर है वो हमें नहीं खाएगा जी, ये बात सत्य नहीं है। अभिप्राय ये हमारा अपना स्वयं का जो भाव है, हम हमारे अंदर अगर कोई हिंसा की वृत्ति है वो हमारी नष्ट हो जाएगी, हम किसी का आहित नहीं कर सकते इसके बाद जी। वो जब योग की शक्ति आएगी तो हमारे अंदर इतनी शांति आ जाएगी, तो हम अहिंसक हो जाएंगे,
ये हमारे को सिद्धि होगी, पर सांप बिच्छू या जो है जो जिसका स्वभाव है वो कभी नहीं छोड़ेगा जी, उससे कष्ट मिल सकता है, हो सकता है कुछ टाइम को के कारण किसी कारण से वो स्तंभित हो जाए, पर इस चीज़ को रूल नहीं मानना चाहिए और ऐसा करके इसकी परीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें हानि हो सकती है, हानि हो सकती है जी। सत्य, अब सत्य क्या है? अब बच्चे हैं, माता पिता से बहुत से सवाल करते हैं, अब माता पिता उनको नहीं बताते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि माता पिता उनसे असत्य बोल रहे हैं, पर वो जो छुपाव कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं रक्षा के लिए। तो रक्षा में बोलते हैं कि असत्य जो होता है सत्यम भवति रक्षायाम, कोई असत्य हम बोल रहे हैं पर उससे किसी की रक्षा होती है, किसी के प्राण की रक्षा हो या किसी के धन की चोरी हो जाए, अगर हम उसको बताएं वहाँ ऐसा रखा है तो चोरी हो जाएगा जी, वो हमें नहीं बताना चाहिए, दबाव डाल रहा है तो उसको असत्य बताएंगे, तो ये जो है सत्य हो जाता है। और अहिंसायाम, क्योंकि जब अहिंसा हो रही है किसी की हम रक्षा कर रहे हैं तो असत्य सत्य हो जाता है जी, ये जो है रूल है। और सत्यम असत्यम भवति हिंसायाम, अगर हमारे सत्य बोलने से हिंसा हो रही है, किसी की हानि हो रही है, किसी का प्राण जा रहा है, किसी की प्रॉपर्टी जा रही है, ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्राय देखा गया है कि हम ऐसा सत्य बोलते हैं जिससे दूसरे का अपमान हो, दूसरे को एक्सपोज कर देते हैं दूसरे के सामने, तो हमारे अंदर दुर्भावना होती है। पर जो योगी है उसके अंदर दुर्भावना नहीं होती, वो अगर देखेगा कि ये सत्य भी है और बोलने से उसकी आत्मा को कष्ट पहुँचेगा, दुख होगा या उसके लिए मुसीबत खड़ी होगी, वो ये बात नहीं कहेगा, क्योंकि वो अहिंसा का पालन करता है। तो अहिंसा के बाद सत्य का पालन करना है, अहिंसा सत्य अस्तेय, अस्तेय बोलते हैं चोरी का त्याग, किसी की वस्तु है हमारे घर में, कोई धरोहर है, कोई हमें दे गया या प्रॉपर्टी दे गया, अगर वो आ गया वापस लेने उसको तुरंत वापस देना चाहिए। दूसरे के धन पे हमारा कोई अधिकार नहीं, चाहे हमारा भाई है, बहन है, रिश्तेदार है, जो हमारी अपनी मेहनत का पुरुषार्थ का है वो हमारा है, उसमें से हम जो भी दान करना चाहें, जो भी, यानी कि चोरी करके हम दान करें, दान करें, उससे कोई पुण्य मिलने वाला नहीं जी। तो अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से, पुरुषार्थ से जो हम धन अर्जित करते हैं, धनात् धर्म है ततः सुखम, उस धन से जो हम धन से व्यय करेंगे दान में, उसी से हमें सुख प्राप्त हो सकता है, अन्यथा दुख की प्राप्ति होती है जी। तो चोरी का त्याग अति आवश्यक है। अब चोरी यहाँ पे क्या है कि हमारे कोई मित्र हैं और उसके घर में हम गए हैं, उन पर हम अपना अधिकार समझते हैं, उनकी कोई वस्तु रखी है और हम उठा लें, परंतु योग के अनुसार वो भी चोरी है। कोई वस्तु हम उसकी लें, पहले उससे आज्ञा लें, अगर यूज भी करना है, पेन भी लेना है, तो उठाना नहीं है, योग के अनुसार ये नियम है, और पूछने का पहले कि ये जो पेन है आपका, ये क्या मैं ले सकता हूँ, वो कहेंगे ये भी कोई पूछने की बात है पूछने की बात है जी, क्योंकि नियम है, पूछना आवश्यक है। तो ये जो नियम है बहुत ही अच्छे होते हैं, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह जी। अब ब्रह्मचर्य से लोग सोचते हैं कि किसी ने जो है शादी नहीं की है वो ब्रह्मचारी हो गया, पर अगर शादी नहीं भी की है और अगर मन से उसका चिंतन शुद्ध नहीं है और वाणी से अगर गाली निकल रही है या दूसरों पे गुस्सा निकाला जा रहा है, तो वो ब्रह्मचर्य की अवस्था नहीं होती, क्योंकि ये होता है मन से। और वास्तव में जो ब्रह्म शब्द है उसका संबंध है ईश्वर से जी। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं और भगवान की शक्ति हमें प्राप्त होती है तो उसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं, वो शक्ति हमें तब मिलती है ब्रह्म की, तो उस शक्ति को रिसीव करना ब्रह्मचर्य है जी, न कि कुंवारा रहना ब्रह्मचर्य है, जैसा कि ये काम संसार में धारणा है जी। तो गृहस्थ में भी कोई इंसान है और वो एक पत्नी धर्म का पालन करता है तो वो सच्चा ब्रह्मचारी है, क्योंकि मर्यादा में जो इंसान है वही सुखी है। और सबसे बड़ा जो आश्रम है ज्येष्ठ आश्रम, वो जो है गृहस्थ आश्रम है, जैसे कि नदी है वो समुद्र में जाके समा जाती हैं, समाहित हो जाती हैं, वैसे ही जितने भी आश्रम हैं, संप्रदाय हैं, सब कुछ हैं, वो ज्येष्ठ आश्रम गृहस्थ, इसी से आश्रय लेते हैं, इसी के ऊपर निर्भर रहते हैं, इसी से दान लेते हैं, इसी से खाते हैं जी। और गृहस्थ आश्रम जितना सुंदर होगा और उसमें जितने अच्छे संस्कार हम अपने संतान को देंगे, उसमें से अच्छे ब्रह्मचारी भी निकलेंगे, अच्छे सन्यासी भी निकलेंगे, वानप्रस्थी भी निकलेंगे। तो तीनों जो दूसरे तीन आश्रम हैं उनको अच्छा बनाने वाला ये गृहस्थ आश्रम है जी। और जिसका घर में जीवन अच्छा नहीं रहा, अपने माता पिता के साथ व्यवहार अच्छा नहीं रहा, तो बाहर जाकर के क्या करेगा? सही बात। अब कुछ लोग हैं वो घर में कोई मुसीबत हो गई, पत्नी से झगड़ा हो गया या कोई और बात हो गई या कोई केस लग गया या कोई और कुछ हो गया, लाल कपड़ा पहना अपना जंगल में चले गए,
या कहीं छुप गए जाके, या शहर में आ गए कहीं तीर्थ स्थान पे बैठ गए जिससे कि पता नहीं चले कि कहाँ है। तो इस तरह की भी चीज़ें देखने में आती हैं संसार के अंदर जी। पर वास्तव में जो एक संन्यास है, संन्यास से अभिप्राय है जो बुरे कर्म है उनका त्याग, ऐसा गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा। महाराज जी, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, हु इज़ अ परफेक्ट योगी? आपके हिसाब से एक परफेक्ट योगी की क्या परिभाषा है? जी जी, देखिए जो परफेक्ट योगी हैं, जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे नियम के बारे में, जो अपरिग्रह लास्ट जो नियम है पांचवा, कि जो साधनों को मर्यादा में सेवन करता वही योगी है। जो बहुत अधिक खाता है वो भी योगी नहीं है, जो बिल्कुल नहीं खाता है वो भी योगी नहीं है, ऐसा भगवान ने गीता में बताया है जी। तो मर्यादा में रहना है, मर्यादा में ही हमें जीना है, मर्यादा का जो पालन करता है वो वास्तव में योगी है। दूसरा है संतुष्ट है सत्तम योगी, जो हमेशा संतुष्ट रहता है। आज मान लिया कुछ नहीं मिला हमें भोजन करने के लिए, उपवास करना पड़ा, उसमें भी खुशी महसूस करना कोई बात नहीं है, ऐसा अच्छा फील होना है। नमक ज़्यादा जल गया सब्जी में, किसी के यहाँ चले गए हम तो ये नहीं फील करना है कि क्या खिला रहे हैं हमारे को, उसके बाद भी खुशी से उसको ग्रहण करना है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जी ने सूखे जो है चावल ग्रहण किए प्रसन्नता के साथ में जी, जैसे कि उत्सव मना रहे हो। तो ये जो भाव शुद्धि है सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि हमारा जो भाव है ये शुद्ध होना चाहिए, और बहुत सारे साधनों को हमें नहीं रखना चाहिए। ढेर सारी हम जो है सूज रखते हैं घर में, ढेर सारे हम कपड़े रखते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार भी ओपन नहीं करते उसको, बॉक्स को भी ला के शॉपिंग करते रहे डेली। तो ये सोचना चाहिए कि कितना आवश्यक है। वैसे ही भोजन है, कितना आहार हमें लेना है। अब आधी कटोरी सब्जी आधी कटोरी दाल से गुजारा होता है, तो ये नहीं कि 10 कटोरी हम अंदर डालें अलग अलग बना करके और फिर बीमार हो रहे हैं, एसिडिटी की टेबलेट ले रहे हैं ऊपर से। तो ऐसे व्यक्ति जो है योगी नहीं हो सकते जो संयमित नहीं हो। तो ये परफेक्ट योगी की डेफिनेशन है जी। जी महाराज जी, योग है, अब पूरे भारतवर्ष में भारत ने प्रोपोगेट किया, यहाँ के प्रधानमंत्री ने भी इसकी नीर जानी और ये कहा कि हमें इंटरनेशनल लेवल पर इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, लोगों के निजी जीवन में योग को उतारना चाहिए, और इंटरनेशनल योगा डे भी 21 जून को डिक्लेयर किया गया है यूनाइटेड नेशंस ने। तो आप इस विषय को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? क्या भारत में योग करने से बदलाव आएगा? क्या इंटरनेशनल जो हमारे फॉरेन कंट्रीज़ है, बाहर हमारे जो भाई लोग रहते हैं, बहनें रहती है, उनके जीवन में बदलाव आएगा? अगर आएगा तो किस प्रकार का बदलाव आप देख रहे हैं योग के आधार पर? योग करते हुए एक नई सोसाइटी का निर्माण किस प्रकार से हो सकता है? जी देखिए, जो इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है, एक उत्सव के रूप में ये शुरू हुआ है, और हमारे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही सुंदर कार्य उन्होंने अपने जीवन में ये किया है। मैं ये कहूँगा सबसे श्रेष्ठ कोई कार्य उन्होंने किया है तो योग का, ये योगा दिवस UNO से उन्होंने जो अप्रूवल लिया और इसको पूरे विश्व पटल पर मान्यता मिली, बहुत सुंदर कार्य ये हुआ है। योग करने का जो बेनिफिट है इस संसार को क्या मिलेगा, सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि सभी जो भी योग करेंगे उनका शरीर जो है स्वस्थ हो जाएगा, और शरीर के अंदर कोई भी रोग नहीं रहेगा। जो भी योग करेगा उसके शरीर से रोग गायब पूरी तरह से हो जाएगा। और दूसरा लाभ ये होगा कि तन तो स्वस्थ होगा ही, उनका मन भी स्वस्थ होगा, क्योंकि जब तक तन स्वस्थ नहीं है, शरीर स्वस्थ नहीं है, तब तक मन स्वस्थ नहीं हो सकता। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। तो ये योग से लाभ निश्चित रूप में होगा, और ये योग जो है प्रमाणिक है, साइंटिफिक है, और हमारे ऋषियों ने हजारों हजारों वर्षों तक इसके जो है तपस्या के द्वारा अभ्यास करके इसको जाना है, और ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल है, किसी भी तरह से ये फोबिया नहीं है, और इससे जो एक पॉजिटिव ऊर्जा शक्ति इस संसार में मिलेगी तो इससे जो है विश्व में शांति स्थापना की भी पूर्ण संभावना है जी। क्या आहार का एक प्रभाव रहता है योग के ऊपर में? जो एक योगी होता है उसको किस प्रकार का आहार लेना चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए,
और किस प्रकार का उनका जीवन का जो दिनचर्या है वो व्यतीत करना चाहिए। जी जी, बहुत सुंदर जो है आपने प्रश्न किया है, आहार के बारे में और व्यवहार के बारे में और दिनचर्या के बारे में, तीनों चीज़ जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति स्तंभे विप्र ग्रंथि नाम विप्र मोक्षः, कि जब हमारा आहार शुद्ध होता है तो इससे जो है सात्विक ऊर्जा हमारे शरीर में आती है। तो कोई भी जो है राजसिक और तामसिक आहार हमें अधिक नहीं लेना चाहिए और हो सके तो सेवन नहीं करना चाहिए। और सात्विक आहार में ये नहीं है कि हम वेजिटेरियन हैं और ठूस ठूस के खा रहे हैं, तो वो भी सही नहीं है। जैसा कि आयुर्वेद शास्त्र में आया है, हितबुक ऋतबुक मितबुक, ऋतु के अनुसार हमें भोजन लेना चाहिए। बहुत ठंडा मौसम है और हम आइसक्रीम खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और फिर जो है काफिंग कर रहे हैं, तो अपने को कोल्ड हो जाता है इस सब से और एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है। गर्मी बहुत अधिक है और उसके अंदर हम जो है स्पाइसी फूड जो है गर्म मसाले डाल करके वो सब खाते जा रहे हैं और फिर आँखें एकदम रेड हो जाती हैं या शरीर में जो है गर्मी हीट बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है। तो इस सब आहार को ध्यान से देखना चाहिए और जो अपने शरीर के अनुकूल है वही जो है भोजन लेना चाहिए। अब कुछ लोग है उपवास भी करते हैं, पर उपवास में जो है लिक्विड डाइट की बजाय, रस की बजाय, जूस की बजाय जो है तरल पदार्थ की बजाय वो जो है जो ग्रेन है उसको रिप्लेस कर देते हैं दूसरी तरह के डिफरेंट ग्रेन से, जैसे कि साबूदाने की खीर खाएंगे या जो है सिंघाड़े का जो है हलवा बना करके खाएंगे। तो ये सब उपवास नहीं होता है, ये तो डाइट का रिप्लेसमेंट हो गया। तो उपवास वास्तव में है जो प्रभु के पास बैठना। अब शरीर को आराम मिलेगा थोड़ा, तभी तो प्रभु के पास बैठेंगे, हमारा मन तभी जो है ध्यान में भक्ति में लगेगा जी। और जो हमारा व्यवहार है, व्यवहार में सबसे बड़ा जो दोष है वो ये है कि जब कोई ऊंचा भी बोलता है या किसी को जानकारी नहीं है और एक बार आप बोलते हैं और वो सुनने के लिए तैयार नहीं, तो उसी को हमें सत्य मान लेना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, पहली बात यह है। और किसी भी व्यक्ति का हमें अपमान नहीं करना चाहिए। दूसरा, किसी को होपलेस नहीं करना चाहिए, किसी का उत्साह नहीं तोड़ना चाहिए कि तुम ये काम नहीं कर सकते या तुम कभी जो है ऐसे नहीं बन सकते जी। तो उत्साहहीन करने का सबसे बड़ा दोष होता है। और परिवार में कोई छोटा हो बड़ा हो किसी को भी अपमानित नहीं करना चाहिए। और घर में सामंजस्य है, कोई मन में बात है तो वो शांति से बैठ के करनी चाहिए। और एक व्यक्ति को अगर गुस्सा है, क्रोध है, तो दूसरे व्यक्ति को शांत रहना चाहिए, क्योंकि अभी तूफान आया हुआ है तो उस समय में हमें एक जगह बैठ जाना चाहिए शांति से। जब तूफान चला जाता है फिर हम अपनी बात कह सकते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा हम एडजस्टमेंट अपने परिवार में करेंगे, घर में जो है कभी कलह नहीं होगा और हमारे परिवार में भी शांति होगी। व्यवहार जो है दूसरों के साथ जो हम बर्ताव करते हैं, व्यवहार करते हैं, बहुत ही जरूरी है। तो दूसरे व्यक्ति की जो भावना है वो हमें देखनी चाहिए जी, कि इस व्यक्ति की भावना कैसी है, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन तेखी तैसी। तो वैसा ही मनुष्य को दिखाई देता है, वो कुछ सुनना नहीं चाहता है, उसके अंदर जो चल रहा होता है एक ड्रीम जो है प्रोजेक्ट वही वो गाता रहता है। तो हमें जो है उस चीज़ को भी देख करके उसके अनुसार उसको धीरे से मोल्ड करना चाहिए जी। और जो बच्चे हैं उनके सामने जो है अपनी वाणी में हमें कोई अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे से सीख जाते हैं और पिकअप करते हैं उस चीज़ को। और जब हम अच्छा व्यवहार करते हैं और किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में पॉजिटिव जो है हम बिहेव करते हैं और अच्छे तरीके से जो है शांत रह के जवाब देते हैं, हंसते हंसते बोलते हैं, तो बच्चे भी हमारे फिर बड़े होकर वैसा ही करते हैं जी। और उनका अंदर जो है एक आत्मिक शांति रहती है और पूर्णतः आनंद में जीवन होता है। तो पहले सत्र में महाराज जी के साथ में चर्चा बहुत सुंदर रही, अद्भुत रही। हमने इस सत्र में जाना योग और योगा में क्या अंतर है और योग हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमने ये भी जाना कि हमें अगर अंदर चेतना जगानी हो और कॉन्शियसनेस लेवल से, एक कॉन्शियसनेस लेवल से हायर कॉन्शियसनेस लेवल में जाना हो तो योग की आवश्यकता है। योग तन मन और आत्मा तीनों का एक ब्रिज है, एक ब्रिज बन के तीनों को जोड़ता है और हमें परमात्मा के साथ में भी लीन करता है, जोड़ता है और परमात्मा के दर्शन भी करवाता है। तो आध्यात्मिकता का जो ऑब्जेक्टिव है
वो योग से पूरा होता है। जो वेलनेस का ऑब्जेक्टिव है, हमारा शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, तंदुरुस्त रहना चाहिए, ये भी योग के माध्यम से ही पॉसिबल है। और साथ में जो शांति हमें प्राप्त करनी है, हमें अच्छे विचार हमारे अंदर में जाग जाए, शांति प्राप्त हो, अच्छा जीवन हम जिए, हम व्यवहार अच्छा करें, हम आहार अच्छा करें, और हमारा दिनचर्या का जो नियम हो वो सुंदर हो, सुशील हो, ये भी योग के माध्यम से ही पॉसिबल है।